आज के वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेरोस कर सकते हैं, जैसे कि माइक्रो जेरोस हो गया, आईकट का जेरोस हो गया और साथ में कंबाइन जेरोस हो गया, और इस तरह का डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको जेरोस मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं मेरे पास अभी पैन कार्ड है, मैं आपको पैन कार्ड का एक आईकट प्रिंटर जो होता है वो करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको मेन मेन्यू पे आना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें आईडी कार्ड कॉपी पोल के बटन होता है उस पर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको ऑफ और ऑन करने का ऑप्शन आ रहा होगा, तो इसे ऑन कर दीजिए। और ऑटो बता रहा है कैस्टर वन है अभी हम लोग का, तो सब कुछ रेडी है, आपको जस्ट स्टार्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे वो अपना स्क्रीन हो तो होने लगेगा, आपको अभी वेट करना है, कुछ नहीं करना। बस जैसे स्कैनिंग हो गया आपको बस कुछ नहीं करना, जिस जगह पे था, जिस जगह पे पैन कार्ड रखा हुआ था उसी जगह पे आप फोल्ड कर दीजिए, ना ऊपर ना नीचे, जिस जगह पे था उसी जगह पे मैंने कर दिया। दोबारा से आप एक स्टार्ट पे बटन रखिए, इससे आपका प्रिंटिंग होने लगेगा और रिजल्ट कुछ इस तरह का आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक नोटबुक है, तो मैं इसका माइक्रो जेरोस करके दिखाऊंगा आपको। बेसिकली क्या होता है, जब भी कस्टमर लोग आता है वो आपको जब माइक्रो जेरोस के बारे में पूछेगा तो आपको मिनिमम 30% देना पड़ता है, 30-35% जो आपका मर्जी है, कस्टमर के हिसाब से आप रखिएगा। तो मैं अभी आपको 30% करके दिखाता हूँ कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसको अंदर रख देते हैं। तो सबसे पहले हमें जूम वाले बटन पर जाना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ क्लिक करिए, यहाँ पे 100% दिखा रहा होगा, इस पर नहीं जाना है आपको। अप वाला क्लिक करिए, यहाँ जूम एंट्री दिखा रहा है, उस पर ओके मारिए। यहाँ आपसे पूछेगा कितना आपको चाहिए, तो आप 30% दे सकते हैं फिलहाल के लिए, ओके करिए। इससे क्या होगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, सेट हो गया। और यहाँ पे आपको पेपर सेलेक्ट करना है, पेपर सिलेक्शन में जाना है आपको। और यहाँ पे आप, अभी मैं फिलहाल के लिए A4 ले रहा हूँ, तो मैं इसको A4 में रख देंगे। तो आपको कुछ इस तरह से आपका मेन्यू दिखेगा, तो आपको कुछ नहीं करना बल्कि अब स्टार्ट बटन क्लिक करिए और प्रिंट होने लगेगा। ये रहा आपका कुछ इस तरह से दिखेगा, ये आपका 30% है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक नोटबुक है, तो मैं इसका आपको 4 कंबाइन करके दिखाऊंगा किस तरह से आप 4-5 पेज को एक साथ एक ही पेज में कैसे कंबाइन करके एक ही पेज में निकाल सकते हैं, तो इसके जो आपको माइक्रो जेरोस में भी काम आएगा। तो इसके सबसे पहले हम इसको यहाँ डाला स्कैन करने के लिए, और आपको सेटिंग में क्या करना है, आपको सेटिंग में जाना है, कंबाइन बोल के यहाँ ऑप्शन होगा, तो कंबाइन में यहाँ आ जाइए और यहाँ पे आपको शो करेगा 4-in-1, तो आपको यहाँ ओके करना है, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए मैं 4 ले रहा हूँ, एक पेज में 4 अलग अलग पेज प्रिंट करूँगा। इसके लिए ओके मारा, ये आपको कंप्लीट हो गया सेटिंग। तो अब मुझे कुछ नहीं करना बल्कि जैसे स्टार्ट मारूंगा वैसे स्कैन होने लगेगा, मैं अभी स्टार्ट मार देता हूँ। जैसे ये स्कैन हो जाएगा तो मुझे क्या करना है, अब दूसरा पेज लाना है। दूसरा पेज के लिए मैं क्या करूँगा, इसका बैक साइड वाला पेज डाल के दिखा रहा हूँ आपको, फिर से हम स्टार्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा, दोबारा से स्कैनिंग होगा, स्कैन होने के बाद फिर से हमें थर्ड पेज के लिए मैं क्या करूँगा, बीच वाला कुछ ऐसा कुछ है वो डाल देता हूँ। दोबारा से स्टार्ट करिए, इस तरह हम लोग करते रहेंगे जब तक चार ना हो जाए, तब तक करता रहना है हमें। अब इसके होने के बाद हम ओके मारना है, लेकिन अगर आप चाहें तो और आगे बढ़ सकते हैं, जैसे कि आपको दोबारा फिर 8 को भी करना पड़ेगा, फिर दोबारा आपको 12 को भी करना पड़ेगा। जैसे आप ओके मारेंगे, अभी फिलहाल के लिए जैसे मैं ओके मारूंगा वैसे एक पेज प्रिंट होगा, अगर मैं 8 को भी स्कैन करता अभी तो वो 2 पेज में आता,
अगर मैं 12 कॉपी स्कैन करता तो 3 पेज बनता, तो फिलहाल के लिए मैं अभी 4 कॉपी स्कैन किया हूँ, तो मैं ओके मारूंगा तो सिर्फ एक ही पेज में प्रिंट होकर आएगा। तो कुछ इस तरह से देखिएगा, कभी कभी क्या होता है माइक्रोजेस के लिए कस्टमर लोग आता है तो हम लोग इस तरफ का भी दे सकते हैं। तो इस पेज का आपको जो कस्टमर से 4 पैकेट लेना है जैसे कि आपका रिक्वायर्ड हो, ऐसे हम लोग 4 पैकेट लेते हैं।